ग्रेटर नोएडा में ताबातोड़ एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। सूरजपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मुठभेड़ सेक्टर 144 में ऑक्सीजन पार्क के पास उस दौरान हुई जब पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी सफेद रंग की कार में 4 बदमाश आए। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 21 ATM कार्ड, 3 तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश ATM लूट की वारदात में शामिल रहे हैं। थाना सरोजपुर क्षेत्र में एक पुलिस का मुठभेड़ हुई है। पुलिस ऑक्सीजन टेक पार्क के पास सेक्टर 144 में चेकिंग कर रही थी। 4 लोग एक स्विफ्ट गाड़ी में आए, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी पर वो लोग भागे और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी। इसमें 3 लोगों को गोली लगी है और इनके पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं और एक स्विफ्ट कार। जब इनकी पहचान की गई तो इनके ऊपर थाना सूरजपुर क्षेत्र में ATM के द्वारा पैसे निकालना, लोगों को गाड़ी में बैठाना और उनसे पिन पूछ के लूटपाट करने के मुकदमे हैं।